नमस्कार, मैं हूं गोपालदास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप, नीमच जिले का टॉप एवं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। तो सबसे पहले तो जिला मंत्री KG पाटीदार जी का MP7 न्यूज स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे यहाँ बुलाया और जो अवसर दिया इसके लिए मैं आज आपके चैनल MP7 न्यूज़ को और आपके साथ इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। KG पाटीदार एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर राजनीति में एक अहम पद पर, जो जिला स्तर की जो कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें जिला मंत्री के पद पर काबिज है, तो ये वास्तव में एक ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण क्षेत्र के लिए गौरव की बात बिल्कुल है। साथ ही मैं बता दूं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये युवा मोर्चा में भी, जब रामपुरा युवा मोर्चा मंडल हुआ करता था उसमें भी पदाधिकार रही हैं, साथ ही कुकड़ेश्वर में जो मंडल था इसमें भी ये यहाँ के मंडल महामंत्री रहे हैं। इनकी कार्य कुशलता और भाजपा के प्रति इनका समर्पण देखा जाए तो वास्तव में धरातल पर एक तरफा इनकी कार्य कुशलता है, जिसकी वजह से आज ये उच्च आयामों तक पहुंचे हैं। तो पाटीदार जी, मैं ये चाहूँगा कि आपके अंदर जो इतनी एनर्जी है भाजपा के लिए, जो भाजपा के प्रति आपका समर्पण त्याग है, तो ये आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है या आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखिए, राजनीति में आने से पहले कहीं ना कहीं हम जो भारतीय संस्कृति और भारत का जो परिदृश्य है उसको देखकर ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं इस देश के संस्कारों और संस्कृति पर चलने वाली पार्टी है और उसी भाव को लेकर हम काम करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवाद की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली, सबका विकास के लिए सबको की सोचने वाली पार्टी है। इसलिए हमारा जो उद्देश्य रहा है वो ये है कि भाई देश की सेवा पहले, हम इस भारत को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से मैंने प्रवेश किया। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा अविभाजित कुकड़ेश्वर जब मंडल नहीं था, रामपुरा मंडल का अध्यक्ष रहा, उसके बाद लगातार पदों पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और जो सिद्धांत है उनके ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा, तो क्या माना जाए कि देखो राजनीति है तो राजनीति में दोनों तरीके से राजनीति में लोग प्रवेश करते हैं, एक तो किसी की पनाह या शरण के माध्यम से या अपनी कार्य कुशलता के माध्यम से। तो क्या माना जाए कि आपने युवा मोर्चा के पद पर रहकर भी अपना काम, अपनी सेवाएं दी है, वहीं कुकड़ेश्वर अगर मंडल की बात करें तो यहाँ पर आप मंडल महामंत्री रहे हैं, साथ ही वर्तमान में अगर जिला मंत्री पद पर आप काबिज और अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, तो ये आपकी कार्य कुशलता मानी जाए या किसी जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद या उनकी पनाह मानी जाए? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको कहा है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू कर देता है और जो खप जाता है वो लगातार काम करता रहता है, उसको एनर्जी मिलती रहती है। कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियाँ है, जो नीतियाँ है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काम करती है उनके आधार पर काम करता रहता है और काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में किसी को पद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पार्टी में लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं और जिनको जहाँ पार्टी का आदेश करती है वहाँ काम करते हैं। इसलिए यहाँ न तो पद के लालसा रहती है, न लोलुपता रहती है, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से समर्पित होकर काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी एक विश्व में एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पे चलती है। हम पार्टी को चलाने के लिए भी हमारा कार्यकर्ता सहयोग करता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी शरण या किसी नेता के आधार पर नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो अपने बल पे बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब आगे बढ़ता है तो बढ़ाने के लिए हमारे उच्च स्तरीय जो नेतृत्व है वो उनको प्रदान, उनको शक्ति देते रहते हैं, काम करते रहते हैं और उनके आधार पर चलता रहता है। जी, वर्तमान में अगर विगत 15-16 वर्षों से अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहीं केंद्र में भी भाजपा की सरकार के जहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, जब केंद्र में सरकार जो आई थी भाजपा की तो वो महंगाई को मानकर आई थी, महंगाई का मुद्दा उनके पास मूल था। अगर हम बात करें उस समय की तो सब 2014 के समथिंग में 65 रुपये के समथिंग में पेट्रोल डीजल मिल रहा था और आज लगभग 110 के
लगभग में पेट्रोल मिल रहा है, वहीं गैस सिलेंडर की अपन बात करें तो लगभग 1000 के समथिंग में गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो आप क्या मानते हैं कि ये सरकार की विफलता है? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार बनी, आप इतिहास उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में इस देश और प्रदेश का विकास हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल एक चीज़ को, मैं कहना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल या गैस एजेंसी के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम किस प्रकार से हमारे जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है, जो सबसे जिनको ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी, इसलिए हम उस गरीब की, जो शोषित है, जो पिछड़ा हुआ है, उसके चिंता करते हैं। इसलिए हर वर्ग की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आज प्रदेश ने विकास को नई ऊंचाई छुई। आप देखिए, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ था, जो कभी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गाँव को जोड़ने वाली सड़कें बनेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर लो, फसल बीमा की बात कर लो, किसानों के लिए अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब ने देखा होगा कि विश्व में आज उनके मुकाबले में कोई नेता नहीं है। कहीं ना कहीं जो उनकी संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति, उस संस्कृति को लेकर हम सब काम करते हैं और आज देश आगे बढ़ रहा है। और जहां तक महंगाई का सवाल है, तो मैं नहीं सोचता हूं महंगाई वाली बात है। ठीक है, कुछ चीज़ें अपने स्तर पर ऊंची नीची होती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश और गरीब व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो लगता है कि हम कहीं ना कहीं ठीक मार्ग पर जा रहे हैं, ठीक दिशा की ओर जा रहे हैं। जी, अगर अपन स्थानीय स्तर पे माना था विधानसभा क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो अभी भाजपा की केंद्र में और राज्य में सरकार है, सही, वहीं आप जिले में पदाधिकारी भी है, तो लोगों की डिमांड है, लोगों की रिक्वायर है कि कुकड़ेश्वर में इतना शानदार सामुदायिक भवन यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है, यहाँ पे महज एक या दो डॉक्टर है जिनका भी आना जाना आवागमन रहता है यहाँ पे। यहाँ पे लगभग 65 से अधिक गाँव इस कुकड़ेश्वर सेंटर पर लग रहे हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि अगर पद पे है और सरकार भी आपकी है, भाजपा की सरकार है, तो आप अपने तरीके से या पार्टी के माध्यम से यहाँ पे डॉक्टरों की व्यवस्था हो, इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि कुकड़ेश्वर एक ऐसा बेल्ट है जहाँ आसपास के बहुत ग्रामीण क्षेत्र के गाँव जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलना चाहिए। कुकड़ेश्वर का हॉस्पिटल बहुत अच्छी व्यवस्था में बना हुआ है। मैंने माननीय विधायक जी को और माननीय सांसद जी को भी पत्र लिखा था और मैंने उनको बोला भी था कि भाई कुकड़ेश्वर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन किया जाए, उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं हमको सुविधाएं मिलेगी। पर फिर भी आज हमने ये कोशिश करी है कि यहाँ जो जितनी पोस्टें हैं उनको पूरी तरीके से भरा गया है और निश्चित ही आने वाले समय में हम इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है कि कुकड़ेश्वर क्षेत्र में ऐसी कौन सी कमियाँ हैं जो प्राथमिकता के आधार पर पूरी होना चाहिए, जो आपके माध्यम से आप लिखित में एक पत्र भी आप अपने संबंधित विभाग को या अपनी पार्टी के माध्यम से उस रिक्वायर को पूरा करवाने के लिए एक पत्र लिखेंगे? देखिए, सरकार का उद्देश्य भी यही रहता है कि कुछ न कुछ नई नई योजनाएं आती रहती है। जहाँ तक कुकड़ेश्वर की आप कह रहे हो कि कमियों की बात, तो कमियां तो हमेशा रहेगी और जो कमियां आती जाएगी, जो नीचे से कमियां निकल के आती है, हमारा कार्यकर्ता हमको आके बताता है कि इस क्षेत्र में हमको ये करना है, हम उच्च नेतृत्व को लिखते हैं, फिर कहीं ना कहीं से वहाँ से योजनाएँ निकल के आती है। कमियाँ निकलना चाहिए, हम उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते रहेंगे, फिर कमियाँ आएगी, फिर हम आगे ले जाएंगे। इसी प्रकार कुकड़ेश्वर की उन्नति होती रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कुकड़ेश्वर की स्थिति क्या थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पटवा जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले आपने कुकड़ेश्वर को देखा होगा। कुकड़ेश्वर में बाजार में जाने के लिए कीचड़ कीचड़ नजर आता था, पर आज कुकड़ेश्वर का जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वो कुकड़ेश्वर के मार्केट की बात कर लो, अस्पताल की बात कर लो, या पुलिस थाना की बात कर लो, नगर पंचायत परिषद के भवन की बात कर लो, या शस्त्र मुकेश्वर महादेव का जो विकास हुआ है, या हमारे पास में फुलपुरा का जो विकास हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है। और हम इसमें कोई ये नहीं कहते कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, हम चाहते हैं और कुछ आगे होना चाहिए और उसके लिए हम प्रयत्न करते हुए काम करते रहेंगे। जी, दूसरा ये कि अभी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे हैं, जिसका लगभग जिला पंचायत की आरक्षण है वो लगभग 18 दिसंबर को होना है, और अपन वार्ड मनासा विधानसभा क्षेत्र या विकासखंड की बात करें तो वार्ड 9 जिसमें आपका मूलतः गांव भी आता है, तो अगर आपको पार्टी अथराइज करती है या नहीं करती है तो जिला पंचायत सदस्य चुनाव के लिए आपका क्या मंशा रहेगी?
देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का एक ही मिशन है, संगठन घड़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम किए चलो। तो पार्टी की नेतृत्व निर्णय करेगी, जिसको टिकट देगी उसका हम काम करेंगे, मुझे दे या किसी अन्य को दे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता हमारा कार्यकर्ता है, इसलिए हम जिसको भी टिकट देगी उसको जीता के लाने का वो विजय हो इसका काम हम इसके लिए हम काम करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं तो इसको महंगाई को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस के पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि जीत कर आएंगे या भाजपा की जीत कर आएंगे? मुझे बताइए कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? आपने 15-20 महीने जो कोरोना काल हमारा निकला है, संकट का काल था, क्या आपने कांग्रेस खड़ी हुई नजर आई? कांग्रेस का कार्यकर्ता घर में बैठा हुआ था, कांग्रेस का कार्यकर्ता नदारद था, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं जांच करवाने से भी कतरा रहे थे, उनको घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप डरिए मत, आप जांच करवाइए, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उसको अस्पताल में भर्ती करवाना हो, चाहे उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाना हो, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो और ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना हो, चाहे या रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर कमी हो नहीं मिल रहा हो तो उसको ना हो या अन्य प्रकार की जो जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन लग के उनके साथ खड़ा रहा, कांग्रेस कहाँ थी? इसलिए लोगों को ये महंगाई नहीं, लोग ये देखते हैं कि भाई आप क्षेत्र में काम कौन कर रहा है, धरातल पर काम कौन कर रहा है, आज जनता उनका सहयोग करती है। इसलिए मुझे कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ही नहीं बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आए, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर आपको वार्ड 9 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आपको अगर भाजपा की तरह से अधिकृत करके ना अगर आपको जमीन पर उतारा जाता है चुनाव लड़ने के लिए और आप विजयी होते हैं और यथासंभव जिलाध्यक्ष के लिए अगर आपका नाम काबिज होता है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जिलाध्यक्ष के नाते? जिला पंचायत अध्यक्ष अगर आपको बनाया जाता है पार्टी की तरफ से तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी कि जिले में आप क्या नया करेंगे? देखो मैं पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जिला पंचायत के अध्यक्ष है, प्रत्येक कार्यकर्ता विधायक और प्रत्येक कार्यकर्ता सांसद है, हमारे लिए पद कोई महत्व नहीं है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी को अगर उचित लगेगा कि इस आदमी को टिकट देना उसको टिकट देगी, इस आदमी को अध्यक्ष बनाना उसको अध्यक्ष बनाएगी, इसको उपाध्यक्ष बनाना उसको उपाध्यक्ष बनाएगी, जो जिम्मेदारी देगी हम उसको उस काम को पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। क्षेत्र के लिए आपकी क्या रहेगी सौगात कि आप क्षेत्र में क्या देना चाहेंगे अगर आपको जिलाध्यक्ष अगर बनाया जाता है जिला पंचायत का, तो मनासा क्षेत्र के लिए आपको क्या रहेगा कि मैं इस चीज़ को पूरी कर सकूँ जो मनासा में ये कमी आपको दिख रही है? नहीं, मेरा तो सोच ये है कि मैं पहले भी कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई क्षेत्र नहीं है, हम तो पूरे प्रदेश और देश के विकास की बात करते हैं, और जहाँ तक क्षेत्र की है तो कहीं ना कहीं जो मांगे हैं आज भी हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कालियाखो की बात कर लो या सेमली से मुराड डैम की बात कर लो, कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जी ने उसको मंजूरी दिलवाई है। आज रामपुरा में बड़े तालाब पर 3 करोड़ से ज़्यादा उसकी भी मंजूरी हुई है, जिसके माध्यम से हम उसको विकास किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इसलिए जो भी अध्यक्ष बनेगा हम उसके माध्यम से करेंगे, पर क्षेत्र का विकास हो हमारी ये प्राथमिकता है। अच्छा, आप भाजपा के हैं और भुवनेश्वर में आपके मतकारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे भाजपा की जो सरकार थी या भाजपा के जो यहाँ के नगर परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने करोड़ों की सौगात बस स्टैंड पर एक सब्जी मंडी के माध्यम से दी है जो अनवरत आज दिवस तक बंद अवस्था में पड़ी हुई, तो उसका रीजन बताएंगे कि ये भविष्य में इसी तरह से पड़ी रहेगी या इसका भी कुछ होगा कि यहाँ पे लोग बैठेंगे? नहीं नहीं, हम इसको बहुत जल्दी डेवलपमेंट करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो बाहर बैठे सब्जी वाले को उनको अंदर बिठाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में जैसे ट्रैफिक बढ़ता भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ भी परेशानी होती है, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर बैठने से हमारा व्यवसाय टूट जाएगा या इसलिए वो बाहर बैठ जाते हैं। अब गरीब वर्ग गरीब तबका है, इसलिए हम भी थोड़ा उनके सिंपैथी को समझते हुए करते हैं, पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम निश्चित रूप से उनको अंदर बिठाएंगे और इस सब्जी मंडी को ऐतिहासिक सब्जी मंडी बनाएंगे। अच्छा, MP7 न्यूज चैनल में आज आप पधारे हैं, तो आपका कोई संदेश हो जो आप मनासा क्षेत्र या नीमच जिले के लोगों को ये जो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ रहा है इसको लेकर या MP7 न्यूज के संबंध में कोई संदेश देना चाहते हैं तो बिल्कुल? मैं तो सबसे पहले तो संदेश यही है मेरा कि भाई आपने जो MP7 न्यूज संचालित किया है आपके माध्यम से लाखों लोग आज इसको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आपका यह चैनल और आगे बढ़े, आप अच्छी सफलता प्राप्त करें, कहीं ना कहीं देश के टॉप चैनल में आप जाए,
और आपके माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप इसको लगातार देखते रहिए। हमारे छोटे से गांव से ये संचालित हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप सबको ये बहुत अच्छे रूप में दिखेगा। और आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी नागरिक है, कि आप अच्छे लोगों को चुनकर लाए जिससे क्षेत्र का विकास हो और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। इसके और आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे स्टूडियो में केजी पाटीदार जी पधारे हैं। इन्होंने बेहतरीन तरीके से, बेबाक तरीके से अपनी पार्टी के पक्ष में और इनकी जो रीति नीति है उसके संबंध में अपनी बात रखी है। साथ ही अगर इनको अवसर भविष्य में मिलता है तो ये किस प्रकार से धरातल पर अपनी बात को रखेंगे और किस स्तर तक उस कार्य को पूरा करेंगे, ये इन्होंने आप सभी के बीच में ये सार्वजनिक रूप से MP7 न्यूज चैनल के माध्यम से बात रखी है। तो मैं इनको अग्रिम बधाई देता हूँ कि भविष्य में आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और अपना और अपने क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करते रहे। आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।